तरन तारण के एस एस पी सवालों के घेरे के खड़ा कर दिता है मनजिंदर सिंह लालपुरा के। जदों ये मामला उठता है उन्हें उदों हल क्यों नहीं किया जाता? आम चर्चा यह कि मुख्यमंत्री साहब रहिंदे आ बाहर, इतों वाले कहते जो कहते ना कि माही मेरा घर नहीं, मैनू किसी का डर नहीं, उतों का डीआईजी की करता है, आई जी की करता है, एडीजीपी की करता है, तो डीजीपी की करता है? पहले ना सीनियर अधिकारियों को जाना चाहिए, इन्हां दे मोढ़ियां ते तारे लाउण दा कोई होर थां नहीं, ये सिर्फ छो पीसी ने। मनजिंदर सिंह लालपुरा खडूर साहब तो आम आदमी पार्टी के विधायक, हाँ जी, पिछे जे उन्होंने तरन तारण पुलिस की कारगुजारी के उत्ते सवाल खड़े किए थे, हुण एक बार फिर उन्होंने पोस्ट पाई है अपने फेसबुक पेज के उत्ते। पोस्ट ही मैं पढ़ रहा सीगा तां उहदे विच उन्होंने सीधे तौर के उत्ते एस एस पी के उत्ते फिर गंभीर इल्जाम लगा दिते ने, तो सीधे तौर पर कह दिता है कि मैं अपनी सिक्योरिटी भी वापस भेज रहा है, मेरे रिश्तेदारां दे उत्ते झूठे परचे किए जा रहे हैं, तो मैनू कथित तौर दे उत्ते उन्होंने कहने मुताबक धमकियां दित्तियां जा रही हैं। तो पोस्ट दे विच जिस तरह उन्होंने लिखा है, कहिंदे एस एस पी मैं तो कहा सी तू बस चोरां नाल रलिया होया पर हुण पता लगा तू कायर भी है, बाकी एस एस पी तू रात जो पुलिस वाले फीले भेजे सी उन्हां जो मेरे रिश्तेदार नाल कीता उस दे जवाब की उड़ीक करो। अगे लिखते हैं बाकी तू जो सी आई ए वालों को रात सुनेहा भेजा सी जे गैंगस्टर कार्रवाई करन तां एम एल ए की कई परिवार तबाह हो जाते हैं, मैं स्वीकार है, मैनू स्वीकार है, मैं अपनी सिक्योरिटी तेनू वापस भेज रहा है, तो तेरे को खुला समा है, जो तू करवाना करवा लै, बाकी परिवार सब दे बराबर हुंदे ने। रात तेरा सी ए वाला रज्जिया होया कह रहा सी कि उत्थे मैं 25 लाख महीना एस एस पी दिंदा हाँ, ता ही तो मैं कहा भी एडा वड्डा नशेड़ी तू सी आई की कुर्सी के उत्ते किवें बिठा दिता, बाकी तुसी जो कहते कुट कुट के एम एल ए का नाम लै उहदी करतूत भी तुहाडे कोल आ गई है, तो मेरे रिश्तेदार से जो झूठे परचे किए ने उन्हों का भी मैं स्वागत करता है। ये जी पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है मनजिंदर सिंह लालपुरा, जेकर तुसी फेसबुक पर सर्च कर दो तो यह पोस्ट पहला ही सामने आ जाती है। कुल मिला के तरन तारण के एस एस पी सवालों के घेरे के खड़ा कर दिता है मनजिंदर सिंह लालपुरा ने। देखो ये जो सवाल उठा है पिछली बार भी जो उठा सी धरमिंदर, समस्या का यह है कि जदों ये मामला उठता है उन्हें उदों हल क्यों नहीं किया जाता? आम चर्चा यह कि मुख्यमंत्री साहब रहिंदे आ बाहर, इतों वाले कहते जो कहते ना कि माही मेरा घर नहीं, मैनू किसी का डर नहीं, जदों पहली बार इन्हें मामला उठाया सी उत्थे जिहड़े जे मान लो एस एस पी साहब तो कोई इल्जाम है उत्थों दा डीआईजी की करता है, आई जी की करता है, एडीजीपी की करता है, तो डीजीपी की करता है? मुख्यमंत्री साहब को मामला बाद च जावे, पहले ना सीनियर अधिकारियों को जाना चाहिए, इन्हां दे मोढ़ियां ते तारे लाउण दा कोई होर थां नहीं, ये सिर्फ छो पीसी ने दर्शनी घोड़े बना के रखे हुए ने, जे इन्हां ने सरकार दा कोई साह सौखा ही नहीं करना। जे पहली बार जे कोई पुलिस ते इल्जाम लगता, तुसी देखो झूठे वाला मामला, मानसा पुलिस ते इल्जाम लग गया, उत्थों जिहड़ा डीएसपी है अपना बदल के उत्थों ला कित्थे दित्ता मुक्तसर। शुरुआती दौर दे विच चर्चावां सी कि उहदा नां आ आ वकील वाले मामले च, पर नहीं, एफ आई आर च उहदा नाम नहीं है। पर जिहड़े बंदिआं दे उत्ते इल्जाम लग रहे ने, इह इल्जाम पहले दिन खत्म करने चाहिए। हुण भी जे उन्होंने इल्जाम लाए ने, इन्हां इल्जामां दी तह तक जाके जे गलत ने तां उह गलत है, उहनूं इस गल दे विच नहीं देना चाहिए, तो जे ठीक है मेरा ख्याल इहदे विच बैठ के इहदे तह तक जाओ कौन गलत है कौन सही है। तो जिहड़े एम एल एआं ते इल्जाम लगदे उह कल्ले इक ते नहीं लगदे, बथेरियां ते लगणे शुरू हो गए ने, तो मैं समझदा भगवंत मान जी जे तुसीं इन्हां नूं ना रोकिया तां इह तुहाडे वास्ते नुकसानदेह होणगे, होर किसे वास्ते नहीं। इन्हां मामलिआं नूं तुसीं कोई टीम बनाओ, अपनी टीम बनाओ, पोलिटिकल बंदे बैठन, मंत्री बैठन, सीनियर अधिकारी बैठन, इन्हां नूं तुसीं सुलझाओ। तो जदों असीं अखां मीच लैंदे आ इहो जिहे मामलिआं दे उत्ते
तो फिर एक तो बाद दूजा दूजे तो बाद तीजा तुहाडा नवदीप वाला मामला निबड़िया ना थोड़ा जलंधर वाले का वो हैरोइन जिहड़ी कार च लई आउंदे सी दो पुलिस वाले वो मामला आ गया उहदे उत्ते तुसीं चुप्पो कोई गल नहीं किते करदे ते इन्हां दे विच अगे बारों बारी अगे गल्लां वधी जांदियां ने जी निडर हां निरपक्ष रहांगे आजाद हां सच कहां गल करांगे सियासी हवा दी होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल सब तो पहलां पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर दस्सांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल उभरांगे पंजाब दी आवाज बन होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे खोलांगे अंदरूनी राज बनांगे बुलंद आवाज खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे हर पिंड हर शहर जावांगे मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार की करदी है साडी सरकार की है तुहाडी मुश्किल दा हल D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर D5 चैनल पंजाबी अपनी धरती अपने लोग सत श्री अकाल जी मैं हाँ कुलराज रंधावा ते तुसी वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।